तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त ही होंगे। तो सो गाइस, आप लोगों को अगर 0% आता है ना भाई, फेस स्मूथ करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो भाई आप लोग सही वीडियो पे आए हो, ठीक है ना भाई। ऐसा मतलब पहली बार कोई बताएगा कि भाई फेस स्मूथ, मतलब आज जो है ना सारा झंझट आज मैं क्लियर कर देता हूँ। फेस स्मूथ मतलब आखिर होता कैसे भाई? सबको आखिर फेस स्मूथ में भाई दिक्कत होती है, मुझे भी पता है और मेरे को भी हुआ था एंड आप लोगों को भी हो रहा है, इतना पता है मुझे, ठीक है ना। तो भाई इस झंझट को कैसे खत्म करें, आखिर फेस स्मूथ कैसे करें और सही तरीका क्या फेस स्मूथ करने का, भाई तुम्हारा भाई बताएगा आज के इस वीडियो में। बट आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो भाई मुझे मत बोलना कि लास्ट में कि अभिषेक भाई मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे देख पा रहे हो कि भाई कितना एकदम गजब का मतलब क्या हुआ, एडिटिंग हुआ एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना हाई क्वालिटी में मतलब फेस स्मूथ हुआ, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को भी करना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। स्किप नहीं करना तभी आप लोगों को मतलब समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ तो भाई सॉरी इसके लिए। हम लोग से तो चलते हैं वीडियो की ओर, लेट्स गो एंड आप लोगों को मैं सिखाता हूँ कि आखिर एडिटिंग कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम लोग से तो चलते हैं वीडियो की ओर, लेट्स। तो सो गाइस, फाइनली भाई हम लोग इसी पिक को एडिटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस पिक को भाई आप लोग क्या कीजिएगा, अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में इस पिक को क्या करना भाई, शेयर कर देना, ठीक है ना भाई। मैं जैसे कर रहा हूँ एंड भाई आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड भाई शेयर करने के बाद सीधे आपको कुछ नहीं करना, अपने लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है ना भाई। मैं जैसे ओपन कर रहा हूँ भाई, आप लोग भी ऐसे ही ओपन कर लीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये प्रीसेट है एंड ये अपना फोटो है, ठीक है ना, ओरिजिनल वाला, ठीक है ना। और भाई ये प्रीसेट जो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि डिस्क्रिप्शन में है और भाई उसका मतलब लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, इसको क्या करना भाई, डाउनलोड करके अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में क्या करना भाई, इंपोर्ट कर लेना, ठीक है ना, इस प्रीसेट को। लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, ओके। तो कुछ नहीं करना, इस प्रीसेट को आप लोगों को क्या करना भाई, ओपन कर लेना, ठीक है। एंड भाई ओपन करने के बाद आपको क्या करना भाई, 3 डॉट पे चले जाना एंड यहाँ पे आपको भाई कॉपी सेटिंग कर लेना सिंपली, ठीक है ना। यहाँ पे आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे आपको क्या करना, 3 डॉट पे क्लिक कर देना एंड भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, बस वहाँ पे कॉपी किए थे यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई, 1 क्लिक का भाई, देखो 1 क्लिक में देखो कितना एकदम गजब का पिक हो गया। यहाँ पे देख सकते हो भाई, आप सभी के सामने में देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हो गया ना। अब भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस पिक को सिंपली यहाँ पे हम लोग सेव मतलब सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, ठीक है ना। तो भाई आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड भाई सेव करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्नैपशीट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना सिंपली, ठीक है ना। एंड अपने पिक को इंपोर्ट कर लेना एंड भाई इंपोर्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग सेलेक्टिव टूल्स ले लेना, ठीक है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पर भाई जहाँ भी आपको काला लगता है ना, आप लोग भाई क्या कीजिएगा, ब्राइटनेस मतलब बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। सेलेक्ट करके आप लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना भाई। जैसे मेरे को यहाँ पे काला लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है ना। तो सेम टू सेम मेरे ही जैसे आप लोगों को भी करना बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना भाई। मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे मुझे काला लग रहा है तो मैं भाई यहाँ पे भी क्या करूँगा भाई, बढ़ा लूँगा, ठीक है ना भाई। आप लोगों को भी ऐसे ही बढ़ा लेना, ओके जान। एंड भाई यहाँ पे इतना करने के बाद, सॉरी यहाँ पे भाई कम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ज़्यादा करना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से मतलब सेलेक्टिव टूल्स ले लेंगे। अब की बार जो है ना भाई, यहाँ पे हेयर पे क्या करना, सेलेक्ट करना और भाई स्ट्रक्चर को बढ़ाना, ठीक है ना। फुल जितना मतलब एक दो बार आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके स्ट्रक्चर को आप लोगों को क्या करना भाई, बढ़ा देना चारों तरफ मतलब चारों तरफ से, ठीक है ना, अपने हेयर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसी स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ब्राइटनेस को नहीं बढ़ाना है, बस हम लोग ब्राइटनेस को फेस पे बढ़ाएंगे, ओके। बढ़ा लिए, अब हम लोग भाई इस पिक को सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सेव कर लेंगे, ओके। एंड भाई सेव करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस पिक को शेयर कर लीजिएगा अपने स्केचबुक एप्लीकेशन में, ठीक है ना। और भाई आप लोगों को ध्यान से देखना है और भाई वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ आप फेस स्मूथ करना मतलब सीख गए और वाइट कैसे करें और हाई क्वालिटी में कैसे बनाए, ये भी तो आप लोगों को सीखना है ना। फेस स्मूथ करने से थोड़ी कुछ हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। एंड आपको क्या करना भाई, ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देना एंड भाई इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आ जाना, नीचे आ जाना। आने के बाद आप लोगों को ये देखने मतलब दिख जाएगा तो आप लोग स्टॉप मतलब आप लोग रुक जाए रुक जाएगा, ठीक है ना, सॉरी। एंड आपको भाई ये वाली ब्रश को सिलेक्ट करना, ये देख सकते हो, ठीक है ना।
एंड भाई आपको ना हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। और भाई इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं क्या सेटिंग रखता हूँ, फॉलो को मतलब 10 रख रहा हूँ एंड इसका मतलब देख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई आपको मतलब साइज को अपने हिसाब से रखना, जितना बड़ा फेस है आप लोग मतलब देखो, नाक पे छोटा करना पड़ता है, दिमाग पे छोटा करना पड़ता है और गाल पे थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, तो साइज मतलब अपने हिसाब से मैनेज करना, ठीक है ना। एंड भाई यही सेटिंग रखना, ठीक है ना आप लोगों को, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। एंड भाई हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, फेस को जूम करना। एंड यहाँ पे देखो साइज मतलब छोटा हो गया तो अच्छा नहीं हो रहा, तो हम लोग मतलब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। तो साइज को भाई बड़ा कर लेना, ठीक है ना। आप देखो भाई कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है भाई। आप बताओ कहीं पे आप लोगों को मतलब कहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है ना। आपको मतलब ये लग रहा हो कि काला धब्बा आ जाता है, मेरे से कहाँ आता है भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई काला देखो उसी फोटो में आता है जो मतलब ज़्यादा काला लगता है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, स्नैपशीट में जाकर जहाँ पे काला रहेगा ना वहाँ पे आप लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे अपना फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना। और आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हो रहा है और भाई मस्त तरीके से यहाँ पे आपको भी करना है, ओके। तो भाई यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी कर लेता हूँ। एंड भाई आप लोग मतलब जितना जूम करके आप लोग करिएगा ना अपना फेस स्मूथ, उतना मतलब अच्छा से होगा। तो भाई आप लोग मतलब मस्त तरीके से आप लोगों को क्या करना भाई, अच्छा तरीके से करना जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप सभी के सामने मैं देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है। एंड भाई आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही करना। एंड भाई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई, फेस ही स्मूथ करने से मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इसमें मतलब अभी मैं बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ, कलर कैसे करते हैं मतलब, और ऑयल पेंट कैसे देता है हेयर पे, हेयर एडिटिंग कैसे होता है, मैं मतलब सारा चीज़ बता दिया भाई। सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया, नहीं तो भाई वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दिया, नहीं तो आप लोगों को मतलब बोरिंग सा फील आएगा, मैं इसलिए यहाँ पे फास्ट कर दिया मतलब, ठीक है ना। तो भाई आप लोग मतलब बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। एंड भाई इतना करने के बाद ना आप लोग कुछ नहीं मत कीजिएगा, ये इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, कुछ मत कीजिएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड आपको प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड आपको कलर पे क्लिक कर देना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कलर पे आप लोगों को क्लिक करना। एंड आपको भाई जो भी कलर मतलब रखना रख सकते हो अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे आपको कौन सा ब्रश लेना मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। एंड भाई इसका मैं क्या काम करने वाला हूँ आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। यही ब्रश लेना। एंड भाई इसका मतलब सेटिंग कुछ इस टाइप से रख लेना। एंड भाई आपको मतलब इस पर क्लिक कर देना अपने जो लेयर बनाए थे। एंड ब्लेंडिंग मोड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल रख लेंगे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। एंड भाई इतना करने के बाद हम लोग कुछ इस टाइप से अपने हेयर पे मतलब आप लोग क्या कीजिएगा अच्छा से मतलब यहाँ से देखो, जैसे मैं यहाँ पे जैसे चला रहा हूँ, आप लोग मतलब अच्छा तरीके से यहाँ पे अपने फेस पे ऐसे कुछ टाइप से मतलब चला सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। तो भाई आपको भी मस्त तरीके से यहाँ पे ऐसे करना है, ओके। तो भाई यहाँ पे आपको मतलब कलर आप दूसरा ले लीजिएगा, ठीक है ना, दूसरा कलर मतलब आप लोग ले लीजिएगा, मतलब जितना भी कलर आपको अप्लाई करना ना आप लोग मतलब कर सकते हो, ठीक है ना। 3, 4, 5, 6 मतलब छोटा करके करना, तब तो 3, 4, 5 अगर करोगे तो, ठीक है ना, ऐसे ही कर लेना। एंड इसका मतलब ओपासिटी हल्का सा आप लोग कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही करना है, ओके। एंड भाई इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पिक को मतलब शेयर कर लेंगे अपने गैलरी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देते हैं, ओके। तो भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा, ओके भाई, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, सेव कर लेते हैं इस पिक को। एंड भाई आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ओके। एंड भाई सेव करने के बाद आप लोग कुछ नहीं करना, स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है ना। स्नैपसीड एप्लीकेशन को क्या कर, सॉरी स्केच, अरे टूल बीज एप्लीकेशन को ओपन करना भाई, सॉरी टूल बीज एप्लीकेशन को ओपन करना। एंड यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर देना भाई, टूल बीज एप्लीकेशन को ओपन करना, सॉरी स्नैपशीट भुला गया, ठीक है ना। एंड भाई आपको जितना भी रखना आप रख सकते हो, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ठीक है ना, मतलब 7 से ऊपर ही रखना। एंड यहाँ पे आपको क्लीन पे क्लिक कर देना। एंड भाई जहाँ पे समझ में नहीं आता ना आप लोग हल्का सा पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एंड भाई आप लोग क्या कीजिएगा ना, अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिएगा कुछ स्टेप से भाई, मैं जैसे कर रहा हूँ। एंड भाई आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही अपने हेयर पे अप्लाई करना, ठीक है ना, एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो रहा है भाई। आप लोगों भी बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई कर लेना। एंड भाई अपना मतलब कपड़ा पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई हम लोग इतना कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस पिक को सेव कर लेते पहले। एंड भाई यहाँ पे सेव हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड यहाँ पे बस सेव होने वाला, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे सेव हो गया। एंड
एंड भाई सेव होने के बाद आप लोग मतलब स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाना एंड यहाँ पे आपको सैचुरेशन को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। एंड आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मतलब अप्लाई कर लीजिएगा अपने लिप्स पे, थोड़ा सा रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मतलब आप लोग को ऐसे ही कर लेना। एंड इतना करने के बाद आप लोग फिर से टूल्स पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे सिलेक्टिव आपको जहाँ भी कलर लगता है आप लोग क्या कीजिएगा सिलेक्ट कर लीजिएगा और बिल्कुल ऐसे ही मतलब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं जैसे कर रहा हूँ तो भाई आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको मस्त तरीके से यहाँ पे आपको करना, जैसे भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम मस्त तरीके से आप लोगों को करना। एंड हम लोग इस पिक को सेव कर लेते हैं अपने पिक मतलब गैलरी में। एंड भाई सेव करने के बाद आप लोग मतलब एक काम और एक लास्ट रह गया, आपको क्या करना लाइटरूम एप्लीकेशन में एक बार इस पिक को क्या करना शेयर कर देना, ठीक है ना। ये देख पा रहे होंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में इस पिक को एक बार शेयर कर लेना एंड यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को इंपोर्ट कर लेंगे और भाई एक प्रीसेट और दूंगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले बार किए थे ना कॉपी पेस्ट, बस ऐसे ही करना है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कितना वाइट हो गया, ठीक है ना। और आप लोग भी वाइट करना चाहते हो तो मिक्स पे चले जाना, कलर वाले ऑप्शन पे मिक्स पे आप लोग बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपने मतलब हिसाब से, यार इतना भी नहीं आता, ठीक है ना। एंड यहाँ पे टेक्सचर को बढ़ा देना, ब्रिगनेट को कम कर देना एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो अब हो गया। अब हम लोग भाई इस पिक को यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपने पिक को गैलरी में, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त तरीके से, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई कितना मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हुआ, ठीक है ना। भाई तुम्हारा भाई ने एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ करना सिखा दिया। और भाई अगर आप भी चाहते हो ना और भी अच्छा बनाए तो रिमनी एप्लीकेशन को एक बार यूज करके देखना, ठीक है ना, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई थैंक यू सो मच, बाय। लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करिए।